हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे रेलवे सेक्टर से जुड़े हुए एक ऐसे स्टॉक की जिसने काफ़ी अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दी है और आने वाले टाइम में और भी अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है। काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है, रिजल्ट्स कैसे हैं और कैसे रिजल्ट्स दे सकता है, फंडामेंटल्स कैसे हैं, न्यूज कैसी हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। एक रिसेंट न्यूज इसके ऊपर आई है और उसका काफ़ी अच्छा इफेक्ट जो है आने वाले टाइम में स्टॉक के ऊपर दिखाई दे सकता है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। टेक्निकल्स क्या कहते हैं, कितना स्टॉक नीचे जा सकता है, कितना रिस्क अभी है इसके अंदर, क्या रिवार्ड्स दे सकता है, किस टाइप के इन्वेस्टर को, ट्रेडर को इसके अंदर पैसा लगाना चाहिए, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं निफ्टी 50। निफ्टी 50 जो है जो फ्राइडे के सेशन में 26 अप्रैल को 14,507 के ऊपर बंद हुआ, 182 पॉइंट ऊपर 1.27% की तेजी के साथ। लो जो था 14,414 का था, 100 पॉइंट ऑलमोस्ट ये नीचे के लेवल से ऊपर बंद हुआ है, बट स्टिल 14,800 से नीचे बना हुआ है, तो एक वीकनेस इसके अंदर जरूर दिखाई दे रही है। हम बात कर रहे हैं RBNL की, रेल विकास निगम लिमिटेड की। तो आप देख सकते हैं जो वन डे का अगर आप चार्ट देखेंगे तो इस टाइप से दिखाई देगा। 27.70 रुपये प्रीवियस क्लोज था, 28.45 रुपये पे ओपन होता है, हाई लगाता है 29.45 रुपये का और लो है 28.50 रुपये का। तो आप देखेंगे ऑलमोस्ट अपने हाई के आसपास ही ये स्टॉक बंद होता हुआ नजर आया फ्राइडे के सेशन में। 5 दिन का अगर आप देखेंगे तो ऊपर के लेवल से नीचे जरूर ये फिसला था, क्योंकि जो इसका OFS आया था, जो न्यूज़ इसके ऊपर चल रही थी, वहाँ से जो स्टॉक है नीचे आता हुआ नजर आया और नीचे के लेवल से एक अच्छा बाउंस बैक इसने किया है, बट कितना नीचे अभी और सकता है उसके ऊपर बात करेंगे। बट ये स्टॉक है एक रेंज के अंदर भी बना हुआ है, ऊपर के लेवल पे 30-32 रुपए 32 रुपए तक जाता है और नीचे जो है 25-26 रुपए का लो साइड इसके अंदर बनी हुई है, उसके ऊपर भी हम देखते हैं। अगर आप बात करें 20 डेज के एवरेज वॉल्यूम जो थे 1,06,03,000 के थे, बट फ्राइडे सेशन जो था उसके अंदर 2,07,00,000 यानी डबल वॉल्यूम्स के साथ इसने काम किया है। बीटा देखेंगे 0.64 का है, जो कि एक अच्छा खासा जो है अपना सेफ्टी देता है कि अगर मार्केट ऊपर नीचे होती है तो बीटा जो है 0.64 के आसपास है। अगर हम देखें रेल विकास निगम प्लंजेज 9%, तो जो प्लंज हुआ था जैसे मैंने आपको बताया ऊपर के लेवल पे चल रहा था और जो स्टॉक जो है नीचे आया है, तो जो OFS आया है 15% के आसपास जो स्टेक सेल किया जाएगा, तो आप देख सकते हैं प्लान टू सेल 10% ऑफ इस कंपनी विच ग्रीन शू ऑप्शन ऑफ 5%। तो ये जो है 87.84 की अभी गवर्नमेंट की इसके अंदर होल्डिंग है। OFS लाया गया है, OFS जो लाया गया है वो आप देख सकते हैं 27.50 रुपये के आसपास का फ्लोर प्राइस इसके अंदर डिसाइड किया गया है। तो स्टॉक जो है ऊपर से नीचे आता हुआ नजर आया, जो डिस्काउंट दिया गया है वो 9.53% के आसपास का जो डिस्काउंट है उसके ऊपर दिया गया, तो स्टॉक जो है इसके आसपास ही आता हुआ नजर आता है जब इस टाइप के OFS आते हैं। चाहे आपने सेल का OFS देखा हो, उसके अंदर जो है 74-75 रुपये का प्राइस चल रहा था और जो OFS था वो 64-65 रुपये के आसपास आया था और स्टॉक जो है उससे भी नीचे जाता हुआ नजर आया था। सेम वे में अगर आप देखेंगे एयरकॉन का भी जो OFS आया था 107-108 रुपये पे स्टॉक चल रहा था, 90 रुपीज़ से नीचे का OFS था और जो स्टॉक है अभी 80 रुपीज़ के आसपास आता हुआ नजर आ रहा है। तो जब भी इस टाइप के OFS आते हैं तो एक प्रेशर जरूर बनता है नियर टर्म का, एक बैंक अपॉर्चुनिटी जरूर देता है, बट जो स्टॉक है उसके बाद जो फंडामेंटल्स हैं उसको सपोर्ट करते हैं और फिर से प्राइस जो है ऊपर जाता हुआ नजर आता है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो LIC एक्वायर 8.72% स्टेक इन रेल विकास निगम। तो ये 25 अप्रैल के आसपास की न्यूज है, आप देख सकते हैं कि जो LIC ने 8.72% का स्टेक इसके अंदर उठाया है RBNL के अंदर, तो एक अच्छा खासा स्टेक है 8.72% के आसपास का। जो 15% का जो OFS था जिसमें बताया 27.5 रुपये के आसपास का प्राइस रखा गया है और जो है 9.54% का डिस्काउंट था जो प्राइस चल रहा था, और इसके बाद जो है LIC ने जो है 8.72% का स्टेक इसके अंदर लिया है। तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छा जो है स्टेक है। रिजल्ट्स किस टाइप के थे, फंडामेंटल किस टाइप के हैं उसके ऊपर बात करते हैं, फिर टेक्निकल के बात करेंगे। अगर आप देखें क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो इनकम थी, अब क्योंकि अब रिजल्ट्स आने वाले हैं तो कैसे रिजल्ट्स हो सकते हैं उसका काफ़ी इफेक्ट आने वाले टाइम में स्टॉक्स के ऊपर दिखाई देगा। जो टोटल इनकम है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर, क्वार्टर थ्री को क्वार्टर टू से कंपेयर करें तो 18.59% का जंप है। नेट प्रॉफिट्स 49.65% के जंप के साथ क्वार्टर थ्री की क्लोजिंग इन्होंने की थी। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो टोटल इनकम भी और नेट प्रॉफिट्स दोनों में अच्छा खासा उछाल आपको दिखाई देगा, इनकम में भी और प्रॉफिट्स में भी। अगर ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करें, दिसंबर 2020 को दिसंबर 2019 से कंपैरिजन करेंगे तो टोटल इनकम 2.1% के आसपास की इंक्रीज हुई है, जबकि प्रॉफिट्स जो देखेंगे 171% के आसपास इंक्रीज हुए हैं। 103 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट्स होते थे, वो 281 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट्स इनके आए हैं। तो आप देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर भी
अच्छा खासा जो है प्रॉफिट्स में इंक्रीज है और मार्जिनल इंक्रीज जो है इनकम के अंदर दिखाई दे रहा है। अगर 9 मंथ को 9 मंथ से कंपैरिजन करें तो 4.11% जो है इनकम में डिप जरूर आया है ड्यू टू कोविड इफेक्ट, बट प्रॉफिट्स देखेंगे तो 20.51% के आसपास इंक्रीज हुए हैं अगर 9 मंथ को 9 मंथ से कंपेरिजन करें, यानी जून क्वार्टर प्लस सेप्टेम्बर प्लस दिसंबर क्वार्टर को ऐड करके लास्ट ईयर सेम टेंडर से कंपेरिजन करें तो 20.51% के आसपास के जो प्रॉफिट्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं। अगर हम देखें 6,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप और अच्छा खासा ये ऊपर जाने का दमखम रखता है। ROC देखेंगे 11.8% का है, ROE देखेंगे 15.8% के आसपास का है, तो रेशियोज भी ठीक हैं। अगर देखें डेट 4792 करोड़ के आसपास का है, डेट टू इक्विटी रेशियो जो बनता है 0.88 का बनता है, जो कि जिस हिसाब की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है तो उस हिसाब से डेट इसके ऊपर जरूर दिखाई देता है, बट ये मैनेज कर लेते हैं। प्लस 0% है शेयर्स जो हैं और बुक वैल्यू देखिए बिल्कुल इसके आसपास ही शेयर काम करता हुआ नजर आ रहा है 26.1, और प्राइस टू बुक वैल्यू जो बनकर आती है 1.12 की है। और यहाँ पर देखेंगे जो इंडस्ट्री पी है 12.1 की है, जबकि स्टॉक की पी 7.09 की है, तो अपनी इंडस्ट्री पी से नीचे काम करता हुआ नजर आ रहा है, और प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे तो उसके आसपास ही है, तो किसी भी एंगल से ये आपको एक्सपेंसिव नजर नहीं आएगा। डिविडेंड यील्ड काफी अट्रैक्टिव है 3.90% की, फेस वैल्यू जो है 10 की है, तो किसी भी एंगल से देखेंगे तो यहाँ से भी स्टॉक अच्छा खासा ऊपर जाने का दमखम रखता है, और एक जो ओवरहैंग था OFS का वो इसके ऊपर से निकलता हुआ नजर आ रहा है, और ये काफी अच्छा स्टॉक आने वाले टाइम में बन सकता है जो इसे काफी ऊपर ले जा सकता है, बट नियर टर्म में डाउन साइड जरूर इसके अंदर दिखाई देती है। 50 DMA से स्टॉक जो है नीचे काम करता हुआ नजर आ रहा है और 200 DMA के ऊपर बना हुआ है। 200 DMA जो है 25 का है, जिसके ऊपर पहले भी सपोर्ट लेता हुआ नजर आया था, और 50 DMA जो है 29.66 का है। इसके बाद अगर देखें जैसे मैंने रिजल्ट्स बताए आपको, तो OPM परसेंटेज दिसंबर क्वार्टर में 6% के आसपास निकली थी, जबकि पिछले क्वार्टर में 5% और दिसंबर 2019 में 3% के आसपास थी। तो नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं ये धीरे धीरे आपको रिकवर होता हुआ नजर आ रहा है प्री कोविड लेवल के ऊपर 2900, 3100, 3700, और जो प्रॉफिट्स मार्जिन हैं OPM परसेंटेज है वो भी इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है, तो आने वाले टाइम में अच्छा रिजल्ट्स ये दे सकता है, और यहाँ से शेयर प्राइस फिर ऊपर जा सकता है। नियर टर्म का जो करेक्शन है उस वो एक और सोलिड बेस इसको देता हुआ नजर आएगा। डेटर डेज जो है 21 के आसपास है, जो कि काफी अच्छे हैं गवर्नमेंट कंपनी होने के बावजूद भी। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो 87.84 का प्रमोटर का स्टेक है, FI.31, DI.1.12 और पब्लिक के पास 10.73% की होल्डिंग है इसके अंदर। तो आप देखेंगे पब्लिक के पास काफ़ी कम होल्डिंग है और प्रमोटर्स के पास होल्डिंग ज़्यादा है, जो कि 15% अब यहाँ से रिड्यूस होगी, तो LIC के पास आप देख सकते हैं स्टेक काफ़ी बड़ा यहाँ पर जाता हुआ नजर आ रहा है। तो टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर अगर हम इसे देखें, जैसे फंडामेंटल रिजल्ट्स कैसे हैं, रिजल्ट्स कैसे हो सकते हैं, न्यूज कैसी हैं, उसके ऊपर हमने डिस्कस किया, तो मूविंग एवरेज अगर आप देखेंगे तो मूविंग एवरेज 5/0 न्यूट्रल और एक सेल की तरफ इंडिकेट कर रही है, यानी कि इसे स्ट्रॉन्ग बाय की तरफ इंडिकेट किया जा रहा है कि कोई भी डिप इसके अंदर मिलता है तो इसे बाय करके चलना चाहिए। और सेकंड जो है ओसिलेटर्स, अगर ओसिलेटर देखें तो 0/3 न्यूट्रल और 2 सेल की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, और समरी को मिलाएं 11 इंडिकेटर्स में से बाय की तरफ इंडिकेट किया जा रहा है, 5/3 न्यूट्रल और 3 सेल की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं कि इसे बाय करके चलना चाहिए, और कोई भी डिप इसके अंदर आता है आने टाइम में अच्छा खासा ये आपको रिटर्न दे सकता है। अगर RBNL की बात करें तो वनडे का चार्ट मैंने यहाँ लगा रखा है और एक कैंडल जो है वनडे को रिप्रेजेंट करती है, तो आप देखेंगे यहाँ पर स्टॉक ने हाई जो बनाया था 35.55 के आसपास का, वहाँ से स्टॉक जो है जरूर एक रेंज बाउंड हुआ है और एक नैरो रेंज के अंदर काम करता हुआ नजर आ रहा है। तो नीचे का लेवल देखेंगे तो 26 तक ये आया था, अभी जो स्टॉक है 29.20 के आसपास काम कर रहा है, तो जरूर यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर आपको आने वाले टाइम में दिख सकता है, बट ये कम्युलेशन मोड होगा और यहाँ से आपको स्टॉक को अकोमोडेट करना चाहिए, और ये स्टॉक जो है यहाँ से भी आपको ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। तो नीचे के साइड में आपको 26.6 का पहला लेवल है, अगर इसको ये ब्रेक करता है तो 25 तक स्टॉक बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि OFS के बाद चाहे सेल का हो इरकॉन का हो जितने भी आप OFS देखेंगे वहाँ पर स्टॉक जो है अपने जो फ्लोर प्राइस है उससे नीचे काम करते हुए नजर आते हैं कुछ टाइम के लिए, तो यहाँ पर भी ये स्टॉक जो है बिल्कुल 25 तक आ सकता है, और 25 पर अगर आप मिलता है तो बिल्कुल इसे अकोमोडेट करना चाहिए। अगेन ये इस लाइन को क्रॉस करता हुआ इस लेवल तक पहुँचता हुआ नजर आएगा,
अगर ये 25 के आसपास मिलता है और 34 तक भी जाता है तो आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट 40% के आसपास का रिटर्न होगा, और ये शॉर्ट टर्म में ही आपको वहां तक जाता हुआ नजर आएगा। ये कुछ टाइम के लिए करेक्शन कंसोलिडेशंस या डाउनसाइड बनती है, बट एक अकमोलेशन मोड है। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके अपनी होल्डिंग कैपेसिटी और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से इस स्टॉक को कंसिडर कर सकते हैं। रिस्क रिवार्ड रेशियो अच्छा बनता है, शॉर्ट टर्म में जरूर प्रेशर में ये स्टॉक रहेगा, बट लॉन्ग टर्म में ये अच्छे रिटर्न देता हुआ नजर आएगा। थैंक यू, धन्यवाद।